दोस्तों, क्या तुमने नए रूल के बारे में पढ़ा है? गवर्नमेंट ने एक नया रूल बनाया है कि साल में 4 बार फाइनल पेपर हुआ करेंगे। ये यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, इतने सारे टेस्ट होते रहते हैं, अब साथ में 4 बार फाइनल पेपर और हुआ करेंगे। मतलब कि मम्मी पापा से 4 बार पिटाई खानी पड़ेगी। अरे यार चीकू, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। यार अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन 4 बार फाइनल टेस्ट, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। यो पुपिंदर, थारा भाई पुपिंदर, दोस्तों अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा? अरे यार, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मन्नू भैया ही बता पाएंगे। चलो उनके पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। हाँ भाई, तुम्हारी प्रॉब्लम बच्चों मुझे समझ में आ गई। तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो जुडिशरी ही कर सकती है। जुडिशरी से रिक्वेस्ट करो। भैया ये बात तो ठीक है कि हम जुडिशरी से रिक्वेस्ट करें, लेकिन क्या हम जुडिशरी के अंदर जाकर गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोल सकते हैं? गवर्नमेंट ही तो जुडिशरी को चलाती है। नहीं मोटूलाल, ऐसा बहुत से लोग सोचते हैं कि जुडिशरी को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, बट जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ना ही जुडिशरी के डिसीजन के अंदर गवर्नमेंट कुछ कर सकती है और ना ही कोई ऑफिसर कुछ कर सकता है। जुडिशरी हमेशा सही चीज का साथ देती है। अच्छा चलो, तुम प्रोटेस्ट वगैरह तो ठीक है या कंप्लेंट वगैरह तो ठीक है, उससे पहले क्लास 8 जुडिशरी का चैप्टर समझ लो। देखो जुडिशरी का रोल क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी जनरली कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है हमारी कंट्री के अंदर। सबसे पहला पार्ट जो जुडिशरी प्ले करती है, जो हमारे कोर्ट्स प्ले करते हैं, वो है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। आपके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, अनबन हो गई, तो आपका जो भी डिस्प्यूट होगा उसको रिजॉल्व करेगी। अगर आपके आपके दोस्त से लड़ाई हो गई तो उस चीज में भी जुडिशरी आपकी हेल्प करेगी। अगर आपकी लड़ाई गवर्नमेंट से है तो उसके अंदर भी जुडिशरी आपकी हेल्प करेगी। आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल सकते हो कि देखो जो भी इन्होंने ये रूल बनाया है, जो भी लॉ बनाया है, ये गलत है, हम बच्चों के साथ गलत हो रहा है। अगर जुडिशरी को बच्चों की बात सही लगेगी तो आप लोगों के फेवर में डिसीजन होगा और फिर उस रूल और लॉ को फॉलो नहीं करने को बोल देगी जुडिशरी। अगर आपकी बात सही नहीं होगी तो जुडिशरी बोल देगी कि गवर्नमेंट सही कर रही है बार बार एग्ज़ाम लेके, तो आप लोगों को दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जो फाइनल डिसीजन है वो एक तरीके से जुडिशरी देती है। अरे अरे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ तो तुम करना ही भूल गए। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन का बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप मेंबर भी बन सकते हो। अब मेंबर बनने के क्या बेनिफिट हैं और मेंबरशिप क्या चीज़ है? मेंबरशिप पेड है और मेंबर बनने के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जो आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्प करेंगे। एक तो आपके डाउट्स फटाफट क्लियर कर दिए जाएंगे अगर आप मेंबर बनते हो। एक्सक्लूसिव लिंक मिलने वाला है आपको नोट्स का, जिन नोट्स से हम लोग पढ़ा रहे हैं वीडियोस के अंदर वो आपको मिलने वाले हैं। सैम्पल पेपर्स मिलने वाले हैं। अब ये जो सैम्पल पेपर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पूरी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आपने इन सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर लिया। और इन सैम्पल पेपर्स की हेल्प से ही आप 95+ स्कोर कर सकते हो। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन अब हम आगे अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फिर आता है जुडिशियल रिव्यू। कुछ ऐसे रूल्स और लॉज होते हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही नहीं होते। सर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जिसके अंदर सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं, सारे लॉज लिखे गए हैं हमारी कंट्री को चलाने के लिए। अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा गवर्नमेंट ने रूल और लॉ नया बनाया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ों को फॉलो नहीं करता, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो अगर कोई ऐसा गवर्नमेंट ने रूल या लॉ बनाया है जिसके अंदर आपको बोलने की आज़ादी नहीं है, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट लॉ हो गया। तो जुडिशियल रिव्यू आप करवा सकते हो उस लॉ का, और गवर्नमेंट के इस लॉ को जुडिशरी क्या कर देगी? हटा देगी। इवन इफ पार्लियामेंट ने उस लॉ को पास कराया, गवर्नमेंट ये जुडिशरी बोल देगी कि देखो ये जो लॉ है ये बिल्कुल गलत है, ये लोगों के लिए बिल्कुल गलत है, इस वजह से इस लॉ को हटा दिया जाए। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। कोई भी हमारी कंट्री का सिटीजन जुडिशियल रिव्यू के लिए किसी भी लॉ को जुडिशरी के सामने रख सकता है, तो जुडिशरी फिर डिसाइड करके बता देती है कि जुडिशियल रिव्यू सही है, मतलब लॉ सही है या गलत है। फिर आता है अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। कोई भी इंडिया का सिटीजन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है।
अगर उनके फंडामेंटल राइट्स, जैसे हमारा फंडामेंटल राइट क्या है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, दूसरा क्या है राइट टू एजुकेशन, हम किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन केस गवर्नमेंट ने कोई ऐसा रूल और लॉ बना दिया कि हम अपने रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, तो हमें तो प्रॉब्लम हो रही है। अब हम किससे जाकर अपनी प्रॉब्लम बोले? हम अपनी प्रॉब्लम बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से, मतलब जुडिशरी से। तो ये लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को देखेंगे कि हमारे साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है, और फिर हमारे डिसीजन देंगे। हमारे अगेंस्ट भी हो सकता है वो, और हमारे फेवर में भी हो सकता है। अच्छा सर, ये बताइए कि किस तरीके से वर्क करते हैं कोर्ट्स? देखो, कोर्ट्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो एक तरीके से आपको इस मैनर में वर्क करना पड़ता है। इसको अभी हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझेंगे कोर्ट के थोड़ी ही देर में। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी की। जैसा अभी थोड़ी देर पहले मोटूलाल ने बोला था कि सर जुडिशरी को भी तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो वो तो गवर्नमेंट का कोई भी रूल या लॉ बनाएगी तो जुडिशरी उसके खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकती। नहीं, ऐसा नहीं है। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। स्टेट लाइक लेजिस्लेचर, मतलब कि कोई भी मिनिस्टर या कोई भी ऑफिसर, यहाँ तक कि IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, ये लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते जुडिशरी के साथ में। ये लोग जुडिशरी यानी कि जज को नहीं बोल सकते कि ये डिसीजन लो या फिर वो डिसीजन लो। अगर इन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश भी करी तो उल्टा जुडिशरी इन्हें ही जेल में डाल देगी उठाकर। द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट। कोर्ट्स गवर्नमेंट के अंडर नहीं हैं, और वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एक्ट करते भी नहीं हैं। वो हमेशा डिसीजन जो देते हैं वो अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन देते हैं, सही डिसीजन देते हैं। जितने भी जजेस हैं हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये अपॉइंट करे जाते हैं विद वेरी लिटिल इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। मतलब बहुत ही कम जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर कर पाती है इनकी चूजिंग में। और फाइनली अगर एक बार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट हो गया, चूज हो गया, उसके बाद उनको रिमूव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, एक तरीके से समझ लो इम्पॉसिबल है। अच्छा सर, स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है हमारा कोर्ट्स का इंडिया में? देखो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आप किसके पास जाते हो? क्लास टीचर के पास। अब क्लास टीचर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए तो किसके पास जाओगे? प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए तो आप जाओगे स्कूल के ओनर के पास। जुडिशरी भी कुछ इसी तरीके से वर्क करती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप जाते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास। प्रॉब्लम आपकी वहाँ पर भी सॉल्व नहीं हुई तो हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई भी और कोर्ट नहीं होता, फाइनल डिसीजन आपको सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है? सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड है न्यू दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर, और ये लगभग यहीं पर हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो रहते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है सुप्रीम कोर्ट, बहुत बार आपने न्यूज़ में भी देखी होगी इसकी फ़ोटो। फिर होते हैं हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट। जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो अलग अलग स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हर एक स्टेट के अंदर उसका एक खुद का हाई कोर्ट होता है। तो मान लीजिए अगर आप मुंबई के अंदर रहते हैं, अब मुंबई के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई, जैसे कि आपके यहाँ पर आपको कोई बोलने की आज़ादी नहीं दे रहा है, आपके यहाँ पे एक मिनिस्टर ने ऐसा रूल बना दिया कि आपको बोलने की आज़ादी नहीं है, सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किससे मांगोगे? सबऑर्डिनेट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। वहाँ पर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, फिर आप जाओगे हाई कोर्ट के पास, जो मुंबई का हाई कोर्ट होगा वहाँ पर। ऐसा नहीं कि आपकी प्रॉब्लम है मुंबई की और आप जा रहे हो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, मुंबई के ही हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। वहाँ पर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, फिर आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास। तो एक ये पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं या फिर तहसील लेवल पे होते हैं टाउन्स में, और ये लगभग डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है वो इन्हें प्रिसाइड करते हैं। द डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स। जो भी डिसीजन हायर कोर्ट बनाता है उसे लोअर कोर्ट्स को भी मानना पड़ता है, जो हायर कोर्ट से छोटे कोर्ट होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन ले लिया, तो अब जैसे हाई कोर्ट है या फिर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, सबऑर्डिनेट हमारे कोर्ट्स हो गए, इनको भी ये डिसीजन मानना पड़ेगा। अच्छा, कोई डिसीजन मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ले लिया, अब वो डिसीजन आपको सही नहीं लग रहा,
कि ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसीजन लिया ये गलत है, तो आप इसे लेके हाई कोर्ट में जा सकते हो। अब हाई कोर्ट ने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मान लो डिसीजन लिया था वो चेंज कर दिया, तो हाई कोर्ट उसे चेंज कर सकता है, लेकिन जो हाई कोर्ट ने डिसीजन ले लिया उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर उससे छोटा कोर्ट नहीं चेंज कर सकता। द डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स। अ पर्सन कैन अपील टू हायर कोर्ट इफ दे बिलीव दैट जजमेंट पास्ड बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट द एपलेट सिस्टम। तो यहाँ पर आपने जो भी डिसीजन आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मिला है वो सही नहीं है, इसको आपको लग रहा है कि वो डिसीजन सही नहीं लिया, तब आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, और हाई कोर्ट में भी आपको लग रहा है कि डिसीजन सही नहीं लिया तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो इस तरीके से कुछ वर्क करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम। अब लीगल सिस्टम की भी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। अब मान लीजिए आपको मैथ्स के अंदर प्रॉब्लम है, ये चीकू को मैथ्स के अंदर प्रॉब्लम है, तो ये किसके पास जाएगा, इंग्लिश वाले सर के पास या मैथ्स वाले सर के पास? सब बच्चों का आंसर होगा सर ऑब्वियस सी बात है, ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा मैथ्स वाले सर के पास। ऐसे ही अगर आपको कोई लॉ के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप किसके पास जाओगे, आप जाओगे सिविल लॉ के पास या क्रिमिनल लॉ वाले कोर्ट के पास, ये आपको अभी पता चलने वाला है थोड़ी ही देर में। कुछ केसेस सिविल लॉ के होते हैं, कुछ केसेस क्रिमिनल केसेस होते हैं। तो ये सिविल लॉ वाले केसेस कौन से होते हैं और क्रिमिनल केसेस कौन से होते हैं? देखो, सिविल लॉ वाले केसेस वो होते हैं जैसे कि आपका कोई डिस्प्यूट है, या तो किसी पर्सन से, आपके दोस्त से आपकी लड़ाई हो गई, या पड़ोसी से लड़ाई हो गई, या किसी एजेंसी से लड़ाई हो गई, गवर्नमेंट से लड़ाई हो गई, आपकी कंपनी से लड़ाई हो गई, तो वो सिविल लॉ के अंडर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाएगा। सिविल कोर्ट्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आपके घर में लैंड को लेकर डिस्प्यूट हो गया, जैसे होता है ना डिस्प्यूट हो जाता है कि ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी ज़मीन है, ऐसे होता है ज़्यादातर घरों में डिस्प्यूट, तो वो लैंड को लेके है, प्रॉपर्टी को लेके है, मैट्रिमनी मतलब कि शादी को लेके डिस्प्यूट है, या फैमिली में कोई डिस्प्यूट है, फैमिली के अंदर कोई प्रॉब्लम है और आप कोर्ट की हेल्प चाहते हो, तो आप कौन से कोर्ट के पास जाओगे? सिविल कोर्ट के पास जाओगे। एक पेटिशन फाइल करनी होती है कोर्ट में, और फिर उसके बाद आपकी प्रॉब्लम को सुना जाता है। सेटलमेंट भी करता है कोर्ट इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन फॉर द डैमेजेस कॉस्ट। जैसे बच्चे, अभी आप सारे बच्चे जाएंगे मिलके और बोलेंगे कोर्ट के अंदर कि देखो हमें चार चार बार एग्ज़ाम देने पड़ रहे हैं एक साल में, हमारे तो जितने भी गेम्स पीरियड थे वो सब हटा दिए गए, तो हम सोचो बेचारे बच्चे इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, गेम्स पीरियड नहीं खेल पा रहे, तो कोर्ट शायद इनके फेवर में ये बोल दे कि देखो बच्चों ने बेचारों ने चार चार बार साल में एग्ज़ाम दिए, खेलने का इन्हें टाइम नहीं मिला, तो इनको कंपनसेट करा जाए, इनकी भरपाई करी जाए। कैसे? इनको चार महीने तक छुट्टी दे दी जाए, मजे से खेलो, तुम्हारा पूरा कंपनसेशन हो जाए। फिर क्रिमिनल लॉ, अब आपने कोई क्राइम कर दिया जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है सोसाइटी के लिए, जैसे आपने कोई चीज़ चोरी कर ली, किसी का मर्डर कर दिया, किसी को आप परेशान कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को परेशान कर रहे हो, तो आपके खिलाफ़ एक FIR होगी और पुलिस आपके खिलाफ़ इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देगी। क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर और क्रिमिनल केसेस के अंदर, देख रहे हो आप क्रिमिनल केसेस कौन से हैं, खतरनाक वाले केसेस के अंदर क्या होता है, अगर आप दोषी पाए जाते हो, गिल्टी पाए जाते हो, तो आपको पनिशमेंट के अंदर इम्प्रिजमेंट मतलब कि जेल हो सकती है, या फिर मोटा फाइन भी लग सकता है, मतलब बहुत अच्छा खासा आपके ऊपर गवर्नमेंट फाइन भी लगा सकता है। तो क्रिमिनल लॉ खतरनाक वाली चीज़ें जैसे कि थेफ्ट, चोरी, मर्डर, हैरेसमेंट, और सिविल लॉ जैसे कि आपके दोस्तों में डिस्प्यूट हो गया, लैंड को लेकर डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी को लेकर, मैट्रिमनी, फैमिली, इन सब चीज़ों को लेकर डिस्प्यूट है। तो आई होप अब आपको ये चीज़ फाइनली क्लियर हो गई होगी। भैया अब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया, हमें सिविल कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, वहीं पर हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। शायद कोर्ट हमें 3 या 4 महीने नहीं, सीधे 5 महीने की छुट्टियां दे दे खेलने के लिए। मोटूलाल, लेकिन कोर्ट में जाएंगे तो हमें वकील की भी जरूरत पड़ेगी, एक एडवोकेट की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि हम एक एडवोकेट को हायर कर सके। यार अब तो हमारा प्लान चौपट, अब तो हर साल चार चार बार टेस्ट देने ही पड़ेंगे। अरे मैंने बोला तो है ये पूरा चैप्टर समझ लो, तुम्हें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं करूंगा तुम्हारी हेल्प PIL फाइल करके। अब ये PIL क्या होती है, अभी मैं थोड़ी ही देर में तुम्हें बताने वाला हूँ। देखो, क्या हर किसी के पास एक्सेस है कोर्ट में जाने का? वैसे देखो, इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं वो कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को रख सकते हैं।
लेकिन रियलिटी तो ये है कि जो हमारी इंडिया के अंदर ज़्यादातर सिटीजन्स हैं वो काफ़ी पुअर हैं, गरीब हैं। इस वजह से वो क्या करते हैं, वो कोर्ट के पास नहीं जाते, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि लीगल प्रोसीजर के अंदर, मतलब कोर्ट के अंदर केस वगैरह फाइल करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, पेपर वर्क चाहिए और बहुत सारा समय भी लग जाता है। एक पुअर पर्सन जो कि रीड नहीं कर सकता, उसकी पूरी फैमिली डिपेंड करती है उसकी डेली वेजेस पे। मतलब कि आप समझ सकते हो कि एक गरीब इंसान जो कि डेली के डेली पैसे कमाता है तो वो कोर्ट वगैरह के अंदर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि उसको अपने घर का खर्चा भी तो चलाना है। द आइडिया ऑफ गेटिंग टू द कोर्ट गेट टू गेट जस्टिस ऑफन सो रिमोट। देखो, कोर्ट के अंदर जाना और अपने लिए सॉल्यूशन पाना बहुत मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए जो बहुत करीब हैं या फिर जो कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन सर, फिर उन लोगों की हेल्प कौन कर सकता है? अभी जैसा मैंने तुम्हारे लिए बोला था बच्चा पार्टी के, मैं PIL फाइल कर दूंगा, तो PIL मैं आपके लिए फाइल कर सकता हूँ। व्हाट इज़ PIL? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको इंट्रोड्यूस करा था सुप्रीम कोर्ट ने इन अर्ली 1980s। देखो, इसका मतलब क्या है? अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो या फिर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो PIL फाइल करती है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, किसके बिहाफ पर? उन लोगों के बिहाफ पर जिनके राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं। अब देखो, आपके जो राइट्स हैं, राइट्स क्या हैं आपके, के देखो इतने ज़्यादा टेस्ट नहीं होने चाहिए, बच्चे जो हैं बेचारों की फ्रीडम ही बिल्कुल छिनती जा रही है, इतना ओवर ज़्यादा हम बर्डन कर रहे हैं। तो मैं आपके बिहाफ पर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक PIL फाइल कर सकता हूँ कि देखो PIL मैं फाइल कर रहा हूँ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बच्चों के इंटरेस्ट के लिए मैं एक PIL फाइल कर रहा हूँ जिससे बच्चों की हेल्प हो जाए। अ लेटर और टेलीग्राम एड्रेस टू सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट कुड बी ट्रीटेड एज अ PIL। एक आप लेटर लिख के देते हो सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को, या एक टेलीग्राम भी भेज देते हो तो उसको भी एक PIL की तरह ही ट्रीट करा जाता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ जुडिशरी, देखो इम्पॉर्टेंट क्यों है जुडिशरी? जुडिशरी जो है वो बहुत क्रूशल रोल प्ले करती है डेमोक्रेटिक इंडिया के अंदर। अगर जुडिशरी नहीं होगी तो गवर्नमेंट कोई भी रूल बनाएगी, कोई भी लॉ बनाएगी। सोचो, एक ऐसा ही लॉ बना दिया गवर्नमेंट ने कि आगे कोई भी वोट नहीं दे सकता, तो अब आगे कोई वोट ही नहीं दे पाएगा, तो जो गवर्नमेंट सेलेक्टेड है वही हमेशा के लिए गवर्नमेंट बन के हमारे देश की रह जाएगी। मान लो कोई एक बार प्राइम मिनिस्टर बन गया, वो तो फिर परमानेंट हो जाएगा। अब ऐसे रूल और लॉ को कौन हटा सकती है? जुडिशरी। और गवर्नमेंट ऐसे रूल और लॉ बनाएगी भी नहीं, क्योंकि जुडिशरी उन्हें हटा देगी। हमेशा जुडिशरी इस चीज़ का भी ध्यान रखती है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपनी पावर को ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर गलती से लेजिस्लेचर मतलब कि मिनिस्टर्स, एग्जीक्यूटिव मतलब कि जो ऑफिसर्स हो गए, IAS, IPS, IRS, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, अगर गलत तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी जुडिशरी एक्शन ले लेती है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हो गए, जैसे बच्चे बेचारे खेल नहीं पा रहे हमारे इस गंदे से लॉ की वजह से, तो अब उन बच्चों की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा जाए, तो ये भी हमारी जुडिशरी की हेल्प से ही हम कर पा रहे हैं। तो आई होप ये चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब एक चीज़ आपको करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब करना है, साथ में ज्वाइन का बटन है उस पर क्लिक करके मेंबर ज़रूर बनना। सर, ज़रूर बनने के लिए क्यों बोल रहे हो मेंबर? हमने तो आपका वीडियो देख लिया, समझ में आ गया। देखो, ज़रूर इसलिए बनना है आपको मेंबर क्योंकि नोट्स मिलने वाले हैं और सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर, अभी जो आपने ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझा है, आपको लग रहा है कि ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लिया तो इसका टेस्ट भी देने की आपको ज़रूरत होगी। अब टेस्ट आप कैसे दोगे? टेस्ट बुक के पीछे से दोगे, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे? नहीं। अब आप 8th क्लास में हो, चैप्टर के बीच से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन सर, हमें कैसे पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? सैम्पल पेपर से। सैम्पल पेपर के अंदर मैं आपको वो क्वेश्चन देने वाला हूँ जो चैप्टर के बीच से होते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में स्कूल में पूछे जाते हैं, तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी अगर आप सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे। शाउट आउट मिलने वाला है उन बच्चों को जो सपोर्ट करते हैं बाय बिकमिंग अ मेंबर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फटाफट इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और आपसे एक क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ मैं कि वॉट इज़ PIL और हम PIL को किस केस में फाइल कर सकते हैं। बाय बाय, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मनु से ज्ञान लेते रहो और ऐसे ही मज़े से SST पढ़ते रहो।